नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूँ। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, AA, ICAR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल हम लोग 1 से लेके 74 प्रश्नों को एनिमल हस्बेंड्री के सॉल्व किए थे। आज हम 75 से लेके आगे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में एनिमल के जितने भी क्वेश्चन हैं, सबको हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक दूध की मात्रा और गुणों पर प्रभाव नहीं डालता? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि कौन सा कारक दूध की मात्रा पर और गुणों पर, दोनों पर प्रभाव नहीं डालता है। पैतृक कारक, पशु की नस्ल, पशु की आयु और पशु का रंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशु का रंग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पशु का रंग जो होता है ना, दूध की मात्रा और गुणों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। अधिक दूध देने वाली गाय का दोहन किया जावे। अगर कोई गाय है, अधिक दूध दे रही है, तो उसका दोहन एक बार करना चाहिए कि दो बार करना चाहिए, तीन बार करना चाहिए या चार बार करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी 3 बार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? प्रोटीन की, लैक्टोज की, कैसीन की या वसा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वसा के लिए, वसा जाँच करने के लिए हम ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। खुर और मुंहपका बीमारी फैलती है संक्रमित राशन से, हवा द्वारा, पक्षियों द्वारा या उपयुक्त सभी से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमित राशन देने से खुरपका मुंहपका बीमारी जो है फैलती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। कुक्कुट की कौन सी नस्ल मध्य प्रदेश की उद्गम स्थान माना गया है? केकड़नेक, कड़कनाथ, डेंकी या घागस? तो कड़कनाथ काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश की। ठीक है, झाबुआ जिले से कड़कनाथ। इसका जो कलर होता है ब्लैक कलर का, पंजे, नाक, इसके पंख, सब कुछ ब्लैक कलर का, यहाँ तक कि अंडा और मांस भी ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। मक्का में कितने संपूर्ण पाच्य तत्व तो पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है मक्का के अंदर कितना संपूर्ण पाच्य तत्व तो पाया जाता है। 71%, 80%, 92% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 71% पाया जाता है संपूर्ण पाच्य तत्व तो। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में भी जानी जाती है? एंथ्रेक्स, खुरपका मुंहपका, रिएंडर पेस्ट या कोई नहीं? तो गोधन प्लेग के रूप में कौन सी बीमारी जानी जाती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिएंडर पेस्ट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 82। मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है? बुसरा, कड़कनाथ, पंजाब ब्राउन या सील? तो यहाँ पर पूछा है कौन सी भारतीय नस्ल है जो भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असील। ठीक है, इसको लड़ाकू मुर्गी के नाम से भी जाना जाता है। पहले के समय इसका मनोरंजन के रूप में, लड़ाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। गलघोटू बीमारी फैलती है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो गलघोटू जो बीमारी है ये हमेशा फैलती किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, जीवाणु द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 84 पर। 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 50 ग्राम वजन के एक अंडे में कितनी कच्ची प्रोटीन पाई जाती है? अगर 50 ग्राम वजन का एक अंडा है तो उसके अंदर कितनी कच्ची प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? 4%, 6.5%, 9.5% या 10.25%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6.5%, इसके अंदर कच्ची प्रोटीन पाई जाती है 50 ग्राम का अगर अंडा है तो।
क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेपरेटा दूध पाउडर में कुल दुग्ध ठोसों का प्रतिशत होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो देखते हैं ऑप्शन, 85%, 90%, 95% या 99%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 95%। ठीक है, सेपरेटा दूध पाउडर के अंदर कुल दुग्ध ठोसों का प्रतिशत 95% होता है, सी ऑप्शन राइट। 86 नंबर क्वेश्चन, संसार में भैंसों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती है? 57, 30, 40 या 65। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 57% भैंसें सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। निम्न में से कौन सा नर हार्मोन जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा नर हार्मोन है। हार्मोन्स के बारे में देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर था इसमें नर हार्मोन बताना था आपको, तो ऑप्शन देख लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोक्सिन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नर हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। सामान्य भैंस की श्वसन गति कितनी होती है? ठीक है, एक सामान्य भैंस है तो उसकी श्वसन गति बताना है, प्रति मिनट कितना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं 10 से 15 प्रति मिनट, 15 से 20 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट या 25 से 30 प्रति मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 10 से 15 प्रति मिनट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89। भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे क्या होता है, बड़ा होता है? बर्बरी, गद्दी, जमुनापारी या बीटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये सबसे लंबे आकार की, बड़ी आकार की होती है। ठीक है, तो इसका तोतेपुरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90। 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में कितनी गायें गर्भित की जा सकती हैं? ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान से पूछ रहा है, एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में कितनी गायें गर्भित कर सकते हैं? 100, 1000, 10000 या 1 लाख। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 गायें। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी गाय एक संकर नस्ल है? तो इसमें से बताना है संकर नस्ल की कौन सी एक गाय है, आयरशायर, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, करन स्विस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, करन स्विस जो है एक प्रकार की संकर गाय है। ठीक है, संकर नस्ल है गाय की, तो डी ऑप्शन राइट। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर TA की कैन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से तैयारी करिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाएंगे। अगर आप लोग एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर GPB ये सब क्वेश्चनों को बढ़िया से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं आज सब्जेक्ट को लेके आएंगे इसी प्रकार से वीडियो। तो आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो कोई डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है। ठीक है, तो कितनी संकर जो नस्ल की बछिया होती है वो कितने माह में क्या हो जाती है, वयस्क हो जाती है, युवा हो जाती है? 12 माह में, 18 माह में, 24 माह में या 30 माह में? तो 92 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, 18 माह में युवा हो जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93। 93 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। एक गाय के बछड़े का जन्म के समय भार 25 किलोग्राम है, उसे कितने खीस की आवश्यकता होगी? बहुत बार यम आ चुका है, 0.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम। तो एक गाय के बछड़े का जन्म के समय अगर उसका वेट कितना है, 25 किलोग्राम है, तो खीस की मात्रा की जरूरत कितनी होगी उसको, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 2.5 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। विश्व में भेड़ की किस नस्ल से महीनतम ऊन प्राप्त किया जा सकता है? गद्दी, चोकला, बीकानेरी, मेरिनो। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरिनो नस्ल से, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विश्व की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा मेरिनो, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95।
भेड़ में गर्भकाल कितने दिन का होता है? 147, 165, 250 या 300? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 147 दिन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? यहाँ पर कमी पूछा है, ना कि अधिकता पाई जाती है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा तो पाई जाती है, एफ ई, प्रोटीन और विटामिन्स। तो यहाँ पर 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बाकी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लैक्टोज के किस में परिवर्तन के कारण दूध खट्टा हो जाता है? ठीक है, लैक्टोज किस में परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है? एस्टिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, एस्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, लैक्टिक एसिड के कारण दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इयान विलमुट का संबंध किससे है? डॉली के विकास से, संकर धान के उत्पन्न करने से, या अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से, या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉली के विकास है। डॉली एक प्रकार की भेड़ है, भेड़ का नाम है। ठीक है, तो उसके विकास के संबंधित में इनका इयान विलमुट का संबंध है। ठीक है, डॉली के विकास से, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। पशुओं के किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है? ठीक है, ऐसा कौन सा रोग है पशुओं का जो भारत से पूर्णतः हट चुका है या जा चुका है या ख़त्म हो चुका है? ब्लैक क्वार्टर, FMD, एंथ्रेक्स या रेंडरपेस्ट? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, रेंडरपेस्ट, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, गाय में मध चक्र की अवधि होती है। ठीक है, आपको बताना है गाय में मध चक्र का समय कितने दिनों का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दे रहे हैं, 11 दिनों का, 16 दिनों का, 21 दिनों का या 30 दिनों का? तो इन चारों में से बताइए, 11, 16, 21 या 30 दिन, तीन इन चारों में से बताइए मध चक्र की अवधि बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21 दिन का होता है। ठीक है, याद रखेंगे गाय में जो मध चक्र होता है वो 21 दिन का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम में एग्रीकल्चर के सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गायों में मानक ब्यांतकाल की अवधि होती है, गाय कितने दिनों पर बच्चा देती है? ये आपको बताना है, 280 दिन, 305 दिन, 325 दिन या 350 दिन? तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 280। ठीक है, 280 से लेकर 282 दिन का होता है। तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा किस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102। गायों को प्रतिवर्ष किस रोग से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है? आफरा, थनेला या दुग्ध ज्वर या खुरपका मुँहपका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, खुरपका मुँहपका। ठीक है, इससे बचाव के लिए प्रतिवर्ष इनको टीका लगाया जाता है बरसात के सीजन में। क्वेश्चन नंबर 103। गायों में जहर बहने के कितने घंटे बाद सामान्यतः गिर जानी चाहिए? ठीक है, 1 से 2 घंटा, 2 से 4 घंटा या 4 से 6 घंटा या 24 घंटे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का डी ऑप्शन, यानी 24 घंटे के अंदर जहर जो है पशु बयान के गिर जानी चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न चारों में से कौन सी राफेज फसल है? आपको बताना है कौन से ये चार की जितनी भी फसलें हैं इनमें से कौन सी राफेज फसल है? बरसीम, जई, मक्का का चारा, नेपियर घास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, बरसीम जो है एक प्रकार की राफेज फसल है चारे के रूप में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, बछड़े किस उम्र में मुलायम घास खानी शुरू कर देते हैं? 2 माह में, पैदा होते ही, 3 माह में या 15 दिन पर? तो बछड़े जो हैं 2 माह के जब हो जाते हैं तब ये घास खाना, मुलायम वाली घास खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। चूजों के आहार में औसतन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ठीक है, जो चूजे होते हैं
उनके आहार में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 12%, 22%, 32% या 42%? तो 106 का हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 22% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 107, चूजों में रानीखेत बीमारी का आरंभिक टीकाकरण कितनी आयु पर किया जाता है? मुर्गियों की एक बीमारी होती है काफ़ी खतरनाक, ठीक है, जिसको रानीखेत के नाम से जाना जाता है। तो इनकी आरंभिक यानी कि शुरुआती अवस्था में कितनी आयु की हो जाए तब इनका टीकाकरण करा देना चाहिए? 1 सप्ताह, दो माह, 3 माह या 4 माह? तो 107 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 सप्ताह के जब चूजे हो जाएं तो उनको रानीखेत का टीका लगवा देना चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे ज़्यादा वसा का प्रतिशत किस विदेशी नस्ल की गाय के दूध में होता है? ब्राउन स्विस, होलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी या रेड डेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, जर्सी के अंदर सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है विदेशी की, विदेशी गायों की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 109, मद में आई हुई गाय के कृत्रिम गर्भाधान का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? मध्यकाल से पहले, मध्यकाल के बीच, मध्यकाल का अंत या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यकाल के बीच का समय जो होता है सबसे अच्छा समय माना गया, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। 110 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चराई की गोल्स पद्धति का प्रचलित है, ठीक है, चराई की गोल्स जो है विधि कहाँ पर प्रचलित है? राजस्थान में, उत्तरांचल में या उत्तर प्रदेश, हरियाणा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर ही है चराई गोल्स विधि, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर ले जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, मीथेन, ठीक है, CH4 जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, रोग जिनका पशुओं से मानव से पशुओं में संचार होता है कहलाता है, ठीक है, ऐसा रोग बताना है जो पशुओं से मानव में, ठीक है, पशुओं से मानव से पशुओं में संचार होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि पशुओं से मानव या मानव से पशु में जो रोग होता है ऐसे रोग को जूनोटिक रोग कहते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार यम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113, किस पशु में चारा खाने की आदत ब्राउजिंग कहलाती है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसा बताना है कि किस पशु में चारा खाने की जो आदत होती है ब्राउजिंग कहलाती है, भेड़ में, ऊँट में, बकरी में या बी और सी दोनों ऑप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, बकरी, ठीक है, चारा खाने की आदत ब्राउजिंग कहलाती है, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 114, बधिया पक्षी को क्या कहा जाता है? टीजर बुल कहा जाता है, कैपन कहा जाता है, कैपोनाइजेशन कहा जाता है या नकलिंग कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 114 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, कैपन कहा जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115, निम्न में से कौन सा विषाणुजन्य रोग है? माता, कॉक्सीडियोसिस, गलघोटू या जहरबाद? तो इनमें से बताना है कौन सा विषाणुजनित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माता रोग जो होता है, चेचक जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये होता है विषाणुजनित रोग, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। 116 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल भारी नस्लों से सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ऐसी नस्ल बताना है जो भारी नस्ल नहीं है, मुर्रा, जाफरावादी, नीली रावी या सूरती? तो 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरती, सूरती जो नस्ल है ये भारी नस्लों के अंदर इसको सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, बाकी नीली रावी, जाफरावादी, मुर्रा ये तीनों भारी नस्लें होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117, निम्न में से कौन सा हार्मोन दूध उतारने के लिए उत्तरदायी होता है? आसान क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन आंसर होगा ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, दस्त लगने में प्रयुक्त दवाइयों का नाम क्या है? स्तंभक कहते हैं या मृदु रेचक कहते हैं, रेचक कहते हैं या गैसर कहते हैं? तो 118 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको रेचक कहते हैं, ठीक है, दस्त लगने में प्रयुक्त जो औषधि होती है या दवाई होती है जिसका प्रयोग किया जाता है उसको रेचक दवाई कहते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा सूअर का मांस कहलाता है? बीफ, मटन
या रेड मीट या पोर्क? आसान क्वेश्चन है, डी ऑप्शन राइट, पोर्क। ठीक है, पोर्क कहा जाता है सूअर के मांस को, क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA और कैन सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के कुल दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान कितना है? 52%, 45%, 40% या 35%? तो भारत के कुल दूध उत्पादन में भैंसों का जो योगदान है वो कितना प्रतिशत है? 52% है। ठीक है, अकेले 52% खाली भैंसों का ही योगदान है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, बछड़ों को चिन्हित कर पहचानने की सर्वोत्तम विधि है टैटूइंग, टैगिंग, ब्रांडिंग या नोचिंग? तो 121 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टैटूइंग। टैटूइंग के द्वारा ही हम बछड़ों को पहचान सकते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, भारत में AI सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? ठीक है, तो बताना है सर्वप्रथम कब शुरुआत की गई थी इसकी, 1929 में, 1939, 1949 या 1982? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, AI के लिए सीमन को कितने टेम्परेचर तापमान पर भंडारित रखते हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आसानी से इसको कर ले जाएंगे, पीछे की वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन पर इसको रखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन गैस के अंदर इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, गाय के पेट का मुख्य भाग होता है कौन सा भाग? गाय के पेट का मुख्य भाग कहलाता है एबोमेजम या ऑर्मेजम रेटिकुलम या रूमेन? तो 124 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट, डी होगा यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, डी ऑप्शन रूमेन कहलाएगा। ठीक है, पेट का जो मुख्य भाग होता है वो रूमेन कहलाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125, 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल जिसमें गलकंबल होती है? ठीक है, इसमें बताना है गलकंबल होता है या गलकंबल पाया जाता है, बाकी भैंसों में नहीं पाया जाता लेकिन एक अपवाद है जिसके अंदर गलकंबल पाया जाता है। तो 125 का ऑप्शन देख लेते हैं, मुर्रा है, भदावरी है या जाफरावादी या सूरती? तो 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जाफरावादी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, मुख मदकाल किस पशु में पाया जाता है? गाय में, भेड़ में, बकरी में या भैंस में? तो साइलेंट हीट जिसको कहते हैं, पता भी नहीं चले हीट पीरियड में आया है पशु कि नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भैंस के अंदर। ठीक है, जो भैंस होती है इसके अंदर साइलेंट हीट होता है। ठीक है, या मुख मद काल कह सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सूरती भैंस का गर्भकाल होता है, ठीक है, सूरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है? वैसे भैंसों का जो गर्भकाल होता है 308 से लेकर 310 दिन होता है, लेकिन सूरती का कुछ अलग होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 था, पूछा था सूरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 205 दिन, 305 दिन, 325 दिन या 395 दिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 305 दिन का होता है। वैसे भैंसों का 308 से 310 होता है, लेकिन सूरती भैंस का कम होता है, 305 दिन होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 128, गाय और बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48, 58, 60 या 62? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60 होता है। ठीक है, गाय हो चाहे बकरी हो, दोनों का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 60 होता है, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 129, इलेक्ट्रॉनिक डिहॉर्नर का टेम्परेचर कितना होता है? 440 डिग्री सेंटीग्रेड, 540 डिग्री सेंटीग्रेड, 640 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 सेंटीग्रेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 540 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इलेक्ट्रॉनिक डिहॉर्नर। डिहॉर्नर का काम होता है सींग को जो दागने का काम करते हैं या हटाने का कार्य किया जाता है, डिहॉर्नर द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130, यदि गाय दूध दोहन के समय भड़क जाए तो पूरा दूध रोक लेती है, तो यह किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, एल्ड्रिनिन या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है,
एड्रेनिन के कारण दूध जो है ऊपर चढ़ा लेती है, रोक लेती है, ठीक है, और उतारने का काम कौन करता है? ऑक्सीटॉक्सिन करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मादा बच्चों में बधियाकरण को क्या कहते हैं? टीजर कहते हैं, नशबंदी कहते हैं, स्पेइंग कहते हैं, या निर्जमीकरण कहते हैं? तो 131 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेइंग कहते हैं, ठीक है। अगर फीमेल के अंदर, फीमेल बच्चों में बधियाकरण कर रहे हैं तो इसको क्या नाम दिया गया है? स्पेइंग, ठीक है, स्पेइंग कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132। 132 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। नर बछड़ों के बधियाकरण के लिए आयु होनी चाहिए 2 माह, 1 माह, 4 से 6 माह या 16 माह। तो नर बछड़ों का अगर हम बधियाकरण कर रहे हैं तो उसकी आयु हो जानी चाहिए 4 से लेकर 6 माह। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133। डेग नाना, ठीक है, डेग नाला किस तत्व की कमी से होता है? नत्रजन, सेलेनियम, लोहा या कैल्शियम? तो डेग नाला जो है ये किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलेनियम, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। सेलेनियम की कमी से डेग नाला होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134। 1 किलो दूध उत्पादन के लिए गाय को आवश्यक पानी की मात्रा किलोग्राम में चाहिए, ठीक है, अगर 1 लीटर दूध उत्पादन करना है गाय को तो कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम या 3 से 3.5 लीटर या 5 से 6 लीटर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, 3 से लेकर 3.5 लीटर, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135। नर पशु में वृषण का तापमान शरीर की अपेक्षा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, समान होता है, उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, कम होता है, ठीक है, नर पशुओं में वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136। 136 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। दूध दोहन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? गीले हाथों से, सूखे हाथों से, हाथों के तले लगा, हाथों में तेल लगाकर, या उपयुक्त सभी? तो 136 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूखे हाथों से, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो, दूध दोहन के सबसे उत्तम जो विधि होती है सूखे हाथों से धोना चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। तांबा जैसे रंग भैंस की किस नस्ल का पहचान है या किसके लक्षण है? नागपुरी, रावी, नीली या भदावरी? तो तांबा जैसा जो रंग है किस भैंस के अंदर पाए जाते हैं? तो भदावरी का करेक्टर है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। संकर बछिया किस प्रथम ब्यांत की आयु होनी चाहिए? संकर अगर बछिया है तो उसकी प्रथम ब्यांत कितनी आयु पर हो जानी चाहिए? 18 माह, 24 से 30 माह, 36 से 42 या 54 से 60 माह? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 से 30 माह पर, ठीक है, संकर बछिया की प्रथम ब्यांत आयु होती है 24 से 30 माह, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 139। नर पशु में शुक्राणु उत्पत्ति के लिए उत्तम तापमान होना चाहिए 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.6, 42.6 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140। 140 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आयन से निकलने किस दूध में सर्वप्रथम वसा प्रतिशत होता है? ठीक है, आयन से निकले किस दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत होता है? प्रथम दूध, अंतिम दूध, मध्यम दूध या सभी? अगर हम दूध निकालते हैं तो बताना है सर्वाधिक वसा प्रतिशत, या शुरुआती अवस्था में निकालते हैं तब होता है अंतिम या मध्यम या सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम, ठीक है, अंतिम अगर दूध निकाल रहे हैं, अंतिम अवस्था, तो इसमें वसा प्रतिशत सर्वाधिक होता है, फैट की मात्रा ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व भैंस के दूध से होता है, कम, अधिक, समान या कोई नहीं? तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व भैंस के दूध से क्या होता है? कम होता है, ठीक है, याद रखेंगे हमेशा कम होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142।
टीजर सांड पालने का उद्देश्य क्या होता है? टीजर बुल जिसको कहा जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है पालने का? मादा को गर्भित करना, या कृषि कार्य कराना, या सुंदरता के लिए, या मादा पशुओं की गर्मी या हीट का पता लगाना? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टीजर सांड हमेशा जो है, जो हीट पीरियड में आई पशु फीमेल जो होते हैं उनको पता लगाने कि ये हीट पीरियड में आ चुकी है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143। मेट्राइटिस किस अंग का रोग है? ठीक है, मेट्राइटिस किस अंग का रोग है? जनन अंगों का या अयनथनों का? दोनों ऑप्शन में से बताइए दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जनन अंगों का मेट्राइटिस रोग होता है, याद रखेंगे जनन अंगों का मेट्राइटिस एक प्रकार का रोग होता है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। 144 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मेट्राइटिस किस अंग का रोग है? अभी जो हम पीछे बताए हैं वो क्या था? मेट्राइटिस था, उसकी स्पेलिंग याद रखेंगे MATRITIS था। ठीक है, मेट्राइटिस तो वो था जनन अंगों का, लेकिन यहाँ पर देखेंगे मेस्टाइटिस है, तो इसका किस अंग का रोग है? जनन अंगों का, हृदय का, फेफड़ों का, या आयन और थनों का? तो इसका डी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आयन और थनों का रोग है, जिसको थनेली रोग कहा जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों याद रखेंगे, दोनों एग्जामों में बहुत बार कन्फ्यूज करता है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145। 145 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पाइला रोग किस तत्व की कमी से होता है? फास्फोरस या कैल्शियम फास्फोरस? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए ऑप्शन, ठीक है, फास्फोरस की कमी से होता है पाइला रोग। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। पशु के बच्चा देने के तुरंत बाद आयन से प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? खीस कहते हैं, पानी कहते हैं, दूध कहते हैं, दही कहते हैं? तो आसान क्वेश्चन है, खीस कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहा जाता है। पशु बियाने के तुरंत बाद जो आयन से प्राप्त पदार्थ होता है उसको खीस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147। दुग्ध जबर में पशु का टेम्परेचर होता है, ठीक है, मिल्क फीवर अगर हो जाता है पशु को तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर जो होता है हमेशा क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो कितना होता है? 99 से 100 डिग्री फारेनहाइट, 101 से 3, या 103 से 105, 106 से लेके 108। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मालूम ही होगा, 99 से लेके 100 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है, घट जाता है टेम्परेचर मिल्क फीवर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। प्रथम प्रजनन के समय बछिया का अवांछनीय शरीर भार होना चाहिए, 180 से 200 किलोग्राम, 250 से लेकर 270, 350 से लेकर 370, या 450 किलोग्राम? तो 148 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 250 से लेकर 270 किलोग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। 149 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लैक्टोमीटर पर रीडिंग का अंतर होता है, कितने तक रीडिंग होती है लैक्टोमीटर पर? 0 से 20, 0 से 40, 0 से 60, या 0 से 100? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर पर हमेशा रीडिंग होती है 0 से लेकर 40, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। खीस गर्म करने पर फट जाती है क्योंकि इसमें मात्रा अधिक होती है किसकी? वसा की, कैसीन की, कैरोटीन की, या एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की? तो 150 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की अधिकता के कारण क्या होता है, खीस को जब हम गर्म करते हैं तो फट जाता है, स्कंदित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151। ज्वार में HCN की मात्रा किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? भुट्टा निकलते समय, दाना बनते समय, अंकुरण के समय, या घुटने की अवस्था में? तो ज्वार के अंदर जो HCN की मात्रा किस अवस्था पर सर्वाधिक? HCN एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है जो पशुओं को खिलाने से बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो HCN का निर्माण किस अवस्था पर सबसे ज़्यादा होता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी अवस्था। ठीक है, इसमें घुटने की अवस्था, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152। भैंस के दूध में वसा का कानूनी मानक है, भैंस के अंदर जो दूध है उसके अंदर वसा कितने परसेंटेज तक पाई जाती है? 2%, 4%, 6%, 8%? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है,
6%। अगर ऑप्शन में सात होता तो सात के साथ जाते हैं, यहाँ पर छः हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153। 153 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। जुगाली करने वाले पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रियूमन, रेटिकुलम, ओमेजम या अबोमेजम, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 153 का ए ऑप्शन, रियूमन। ठीक है, रियूमन जो होता है ये जुगाली करने वाले पशुओं में अमाशय का भाग होता है जो कि चारे को संग्रहित करके इकट्ठा करता है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 154 नंबर क्वेश्चन, भैंस से अधिक दूध प्राप्ति के लिए कौन सा हरा चारा उपयुक्त होता है? ज्वार, जई, बाजरा, बरसीम। तो अधिक दूध प्राप्त करना है भैंस से, तो कौन सा चारा उसको खिलाना चाहिए? तो वो चारा हम खिलाएंगे बरसीम का। ठीक है, बरसीम के चारे से क्या होता है, दूध की मात्रा में वृद्धि होती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, कल्प में पेट का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है? रियूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबोमेजम। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156, सूर्य का गर्भकाल होता है 114 दिन, 214 दिन, 87 दिन, 365 दिन। आसान क्वेश्चन है, तो इसका गर्भकाल बहुत कम होता है, यानी कि 114 दिन होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157। 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध के बर्तनों की सफाई के धोवन के गुण क्या होने चाहिए? अम्लीय, हल्की या क्षारीय हल्का होना चाहिए या विषैला, तृष्ण होना चाहिए उपयुक्त सभी। तो 157 को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्षारीय हल्का होना चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वसा परीक्षण में गर्भर अपकेंद्रीय यंत्र की गति प्रति मिनट क्या होती है? ठीक है, पहले के समय में क्या करते थे, अगर फैट की मात्रा ज्ञात करते थे तो उस समय गर्भर यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो उसका एक मिनट में चक्कर लगाया जाता था, एक मिनट उसकी आरपीएम बताना है, एक मिनट में कितना आरपीएम होता था। तो 158 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1100 आरपीएम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159, ब्रुसेलोसिस बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण के उपयुक्त आयु होती है? ठीक है, काफ़ी भयानक बीमारी होती है ब्रुसेलोसिस, बीमारी के बचाव के लिए किस समय टीका लगाना चाहिए? 2 माह पर, 6 माह पर, 12 माह पर या 22 माह पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 माह पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। क्वेश्चन नंबर 160 आपके स्क्रीन पर है, भैंस की सबसे बड़ी व भारी नस्ल कौन सी है? सबसे बड़ी बताना है और सबसे भारी नस्ल कौन सी है भैंस की? भदावरी है, जाफरावादी है, मुर्रा है या कांकरेज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जाफरावादी, जो भैंस की नस्ल है ये सबसे भारी और सबसे बड़ी होती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से पंच कल्याणी जिसको पंजाबी भैंस कहा जाता है किस नस्ल की भैंस है? ठीक है, भदावरी, नीली रावी, मुर्रा या बीटल। ठीक है, जिसको पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं, पंजाबी भैंस के नाम से जानते हैं, कौन सी नस्ल है? ठीक है, इसके उपनाम है पंच कल्याणी और पंजाबी भैंस। तो 161 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नीली रावी को हम कहते हैं पंच कल्याणी या पंजाबी भैंस। क्वेश्चन नंबर 162, भारत में गाय की कुल कितनी विदेशी नस्लें पाई जाती हैं? 16, 33, 43, 184। तो भारत के अंदर जो गाय की विदेशी नस्लें पाई जाती हैं, यहाँ पर विदेशी नहीं, सॉरी दोस्तों, देसी नस्लें पूछा है। ठीक है, तो देसी नस्लें भारत के अंदर कितने पाई जाती हैं? तो याद रखेंगे 43। ठीक है, 43 पाई जाती हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163, भारत में भैंस की कुल कितनी देसी नस्लें पाई जाती हैं? यहाँ पर भैंस पूछा है, यहाँ पर गाय पूछा था, तो गाय की तो हो गई 43, लेकिन भैंस का बताइए कितना हो जाएंगे? 184। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, राठी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको, बीकानेरी, अलवर, काठियावाड़ या रोहतक। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर, राजस्थान के अंदर है राठी गाय का उत्पत्ति स्थान,
अलवर ही माना गया है राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165। 165 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। राजस्थान में बकरी की कौन सी ऐसी नस्ल है जो त्रिउद्देश्य के लिए पाली जाती हैं? ठीक है, त्रिउद्देश्य के लिए पाली जाती हैं, मारवाड़ी, चोकला, जमुनापारी, सिरोही। तो 165 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। मारवाड़ी एक प्रकार की बकरी है। ठीक है, तो याद रखेंगे त्रिउद्देश्य मतलब ऊन के लिए, दूध के लिए और मांस, तीनों के लिए उत्पादन ये पाली जाती हैं, तो याद रखेंगे। 166 नंबर, हिसार डेल किस पशु की संकर नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो हिसार डेल जो है ये किसकी नस्ल है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भेड़ की नस्ल है। 167 नंबर, सेपरेटा दूध का अंतिम घनत्व क्या है? सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, 1.028 या 1.032 या 1.037 या 0.93। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, 1.037। ठीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर, क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान होना चाहिए 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रीम निकालने के लिए दूध का जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखते हैं? 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169, प्रताप धन किसकी नस्ल है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गाय की, बकरी, मुर्गी या खरगोश। तो प्रताप धन नस्ल बताना है किसकी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मुर्गी की है नस्ल प्रतापधन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर, 170 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। भारत में सर्वप्रथम क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान कब शुरू किया गया था? ठीक है, 1939, 1947, 1967, 2001 में। तो भारत में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पीछे भी आ चुका है एक बार क्वेश्चन ये, 1949 में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171, भेड़ व बकरी का आयन कितने भागों में बटा हुआ होता है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 2। ठीक है, भेड़ और बकरी का आयन जो है दो भागों में बटा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172, ऊँट की किस नस्ल को झिपराज के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, झिपराज के नाम से जाना जाता है ऊँट की ऐसी कौन सी नस्ल है? झालावाड़ी, बीकानेरी, जैसलमेरी या मेवाड़ी। तो 172 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीकानेरी जो नस्ल है इसको झिपराज के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173, वलर्निंग आदत समानता किस पशु में पाई जाती है? ठीक है, गाय के अंदर, बकरी के अंदर, भैंस के अंदर या उपयुक्त सभी। तो 173 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भैंस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174, ब्लीटिंग किस पशु की सामान्य आदत है? बकरी की, गाय की, भेड़ की या ऊँट की? तो 174 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बकरी की आदत है। ठीक है, ब्लीटिंग बकरी से संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 175, 175 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पशुओं के लिए निम्नलिखित में से सबसे आरामदायक छत कौन सी होती है? सीमेंट की, लोहे की चादर की, कच्ची लकड़ी की या सीमेंट या पत्थर की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, कच्ची लकड़ी की जो छत होती है ये पशुओं के लिए सबसे आरामदायक छत होती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 176, घोड़े में संभोग की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? टपिंग, सर्विंग, रटिंग या कवरिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, कवरिंग कहते हैं, घोड़े की संभोग की क्रिया को कवरिंग के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177, IGFRI कहाँ स्थित है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं, IGFRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, फरीदाबाद, हिसार, बीकानेर, झांसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी के अंदर है। ठीक है, जिसको चारा अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ये झांसी के अंदर है।
क्वेश्चन नंबर 178 आपकी स्क्रीन पर। यदि गाय को 1 किलोग्राम से उसको पदार्थ खाने के लिए दिया जाए तो उसे कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर या 6 लीटर? तो यदि एक गाय को 1 लीटर से उसको पदार्थ खाने के लिए दिया जाता है तो उसे कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, और कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।